आज हम बनाएंगे यूपी और बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध लाल मिर्ची का अचार। ये वाली मिर्ची दोस्तों जाड़े के मौसम में आती है, जनवरी और फरवरी के समय ये मिर्च आपको मार्केट में ज़रूर मिलेगी और बहुत ही टेस्टी इसका अचार बनता है। तो सबसे पहले ये मिर्च को हमने धो लिया है और एक कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है और इस तरह से इसके डंठल अलग कर दिए हैं। तो डंठल अलग करने का पर्पज़ क्या होता है कि हमें इसे अच्छे से सुखाना होता है, अंदर से इसका ड्राई होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से सारी मिर्चों को हमने ऊपर से खोल के डंठल हटा दिए हैं और अब इनको हम कम से कम एक दिन धूप में रखेंगे, यानी कि 4 से 5 घंटे अच्छी तेज़ धूप में इसको रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इसके अंदर का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो इसका बढ़िया सा मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप साबुत सौंफ ली है, 1/4 कप ही मैंने बनारसी राई ली है, 1/4 कप ही हम ले रहे हैं पीली वाली सरसों और साथ में काली सरसों भी लेंगे। ये काली सरसों मैंने 2 टेबल स्पून ली है। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, ये करीब मैंने यहाँ पर लिया है 10 टेबल स्पून, यानी कि हम 1/4 कप वाले कप से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो मैंने इसे 2.5 बार लिया है। और अब काली मिर्च के 10 से 15 दाने भी इसमें ऐड किए हैं, साथ में 2 टेबल स्पून भर के मेथी दाना इसमें ले रही हूँ मैं। और ये मैंने जीरा लिया है, ये 3 टेबल स्पून है, 7 से 8 खड़ी मिर्चें इसमें मैंने साबुत वाली ऐड की हैं। तो इन सारे मसालों को पैन में डालकर हमने गैस को ऑन कर लिया है और इसके बाद हमें इनको हल्की आंच पर एकदम मध्यम आंच पर इसको भूनना है। दोस्तों इन मसालों को सिर्फ हमें इतना ही भूनना है कि इनके अंदर का मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाए और ये हल्के से गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनना है, अदरवाइज़ इनकी जो खुशबू है वो चेंज हो जाएगी। तो हल्का सा बस कच्चापन निकालने के लिए हम इसे भून रहे हैं। बहुत ही परफेक्ट मसाला इस मिर्च के लिए तैयार किया जाता है। अगर मसाले में कोई भी कमी हो जाती है तो इस मिर्च में वो स्वाद नहीं आता, इसलिए मसाले में आप जो भी क्वांटिटी मैंने बताई है उसी तरह से ऐड करें। और जो भी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर यूज़ की है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह चलाते हुए मसाले को भूनेंगे और 1 से 2 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। ये काफ़ी क्रिस्पी से हो गए हैं। इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और अभी इनको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ही इनको पीसेंगे। तो चलाते हुए इनको ठंडा करेंगे क्योंकि पैन जो है वो नीचे से काफ़ी गर्म है, इसलिए इसको चलाते हुए ठंडा करें। और यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगी कि मसालों को आप पूरी तरह ठंडा बिल्कुल ना करें, हल्का सा इसमें एक गुनगुनापन रहना चाहिए तभी अच्छी तरह से पिस पाते हैं। तो थोड़ी देर चला दिया है मैंने, करीब 1 मिनट के लिए, और आप इसको रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। यहाँ पर पैन में मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, तो 2 कप तेल मैंने यहाँ पर लिया है। 1/2 किलो मिर्च के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप तेल का यूज़ किया है। इस तेल को हम हल्का सा हीट करेंगे। हीट मीन्स इसमें से जैसे ही हल्का सा धुआं निकलेगा हम बंद कर देंगे, यानी कि तेल हमारा गर्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि हमें तेल को बॉयल नहीं करना है, सिर्फ गर्म करना है। तो इस तरह से जब गर्म हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे। तो ये मिर्च मैंने पूरे दिन धूप में रख दी थी, 5 से 6 घंटे समझ लीजिए इसमें धूप लग गई है। तो अब इसके बाद हम इसको खाली कर रहे हैं। तो आप देखिए मैं किस तरह से इसको खाली कर रही हूँ, इस तरह से स्कूप बनाते हुए इसको खाली करना है। तो आप किसी भी प्रोसेस से इसको खाली कर सकते हैं, या तो इस तरह का कोई शार्प नाइफ ले लीजिए, उससे हल्के हाथ से घुमाते हुए इसमें जो सीड्स हैं उस पोर्शन को कट करना है। और अगर आपको लगता है कि नाइफ़ बहुत शार्प है, उससे आपकी मिर्च कट जा रही है, आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इस तरह से किसी स्पून की बैक साइड से भी उसको खाली कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोसेस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए मिर्च को आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये खाली हो गई है। तो ये बिहार और यूपी वाला जो अचार होता है ना, ये इसी तरह बनाया जाता है। इसमें हमें मिर्च को बीच में से कट नहीं करना होता है, इसको ऊपरी साइड से ही कट करके इसे खाली किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्कूपर वाला नाइफ है, आप इस तरह घुमाते हुए इसकी हेल्प से भी इसको खाली कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, देखने में ज़रूर टफ लग रहा होगा बट बहुत आसानी से ये खाली हो जाती है। तो ये बीच का पार्ट निकाल के मैं अलग कर दे रही हूँ।
और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मिर्च को मैंने खाली कर लिया है। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये दोनों किए हैं, इसी तरह से बाकी की सारी मिर्च को हम खाली कर लेंगे। और ये जो पोर्शन है इसको हम हटा के अलग कर लेंगे। ये सारी मिर्च खाली हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे आगे की प्रिपरेशन। मसाला ठंडा हो गया है, हल्का सा गुनगुनापन अभी इसमें बाकी है। इसी स्टेज पर हम इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। आप अगर इसको पल्स मोड पर पीसेंगे तो ये बहुत आसानी से दरदरा सा पीस जाएगा। तो ये देखिए पूरी तरह से स्मूथ मसाला नहीं है, इस तरह से ये दरदरा मसाला हमने पीस लिया है। ये दो बार में मैंने ये मसाला पीसा है। अब इसमें कुछ और मसाले यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि अजवाइन। एक चम्मच अजवाइन मैंने इसमें ऐड किया है और यहाँ पर मैं अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। चौथाई कप अमचूर पाउडर और चौथाई कप इसमें मैंने हल्दी डाली है और करीब 3/4 चम्मच भर के मैंने इसमें हींग डाली है। थोड़ा सा कलर लाने के लिए हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप देगी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है मंगरेल, जिसको हम कलौंजी भी बोलते हैं। और यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। नमक हमें अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। तो जब आप मसाले में नमक को ऐड कर लेंगे तो आप थोड़ा सा चख के भी देख सकते हैं, जैसा कि आप सब्जियों में नमक डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसमें पड़ता है, क्योंकि अचार है तो प्रिजर्व करने के लिए इसमें हम नमक का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने विनेगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि विनेगर से क्या होता है ना, कभी कभी अचार ख़राब होने का डर होता है। और ये जो हम अचार बना रहे हैं ना, ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, तो ये 3 से 4 साल आराम से चलेगा अगर आप इसी प्रोसेस से और सावधानी से बनाएंगे तो। ये बीच वाला पोर्शन जो मैंने अलग किया था, इसमें से ये जो सीड्स हैं ये पूरी तरह से ड्राइड हैं, एकदम ड्राई सीड्स हैं। तो इनको मैं इस मसाले में मिला दूँगी। ये बहुत अच्छा टेक्सचर भी देंगे और एक मिर्च का तीखापन भी आएगा इससे। तो ये सीड्स तो मैंने इसमें मिला दिए हैं, बाकी ये जो पोर्शन बचा है ये भी थोड़ा सा गीला है। और इस तरह की जो ख़राब मिर्च है, अगर आपको लगता है ये मिर्च सही नहीं है तो आप इसको ना भरें, अदरवाइज़ ये आपके सारे अचार को ख़राब कर देगी। अब ये तेल मैंने जो गर्म किया था, तो यहाँ पर इसमें से आधा तेल हम इस मसाले में मिला लेंगे और आधा तेल हम इस बोल में करके रख देंगे। उसका क्या यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो बाकी का तेल मैं इस बोल में पलट के रख दे रही हूँ। अब ये जो तेल हमने मसाले में मिक्स किया है ना, इसे हम अपने हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करना बहुत ही अच्छा रहता है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। कहीं किसी मसाले में लंप्स हैं तो उसको भी आप हाथ से तोड़ सकते हैं, और आफ्टर ऑल हमको जो मिर्चें हैं वो तो हाथ से ही भरनी है। तो अगर आप चाहें तो अपने हाथों में ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप ग्लव्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से अचार भरने के बाद वॉश कर लें और थोड़ा सा नारियल का ऑयल लगा लें। तो अभी मैं आपको मिर्च भर के दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इन मिर्च में मसाला भरते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मसाला इसमें डालेंगे और इसको हम अपने थंब से यानी कि अंगूठे से पुश करते जाएंगे, और नीचे की जो इसकी सरफेस है वहाँ तक हमें मसाला पहुँचाना है। अदरवाइज़ जब हम अचार खाएंगे तो नीचे का पोर्शन खाली खाली लगेगा। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से प्रेस करते हुए भरा है। ये मिर्च भर के हो गई है तैयार, इसको हम एक तरफ रख देंगे। और इसी तरह से मैं आपको एक और भर के दिखा देती हूँ। दोस्तों अचार बनाने में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
जब भी आप अचार को मसाले को टच करें तो आपके हाथ अच्छे से क्लीन होने चाहिए। सफाई से बना हुआ अचार सालों साल तक चलता है और बहुत ही अच्छे से सुरक्षित भी रहता है। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से मिर्च भर ली है, तो सारी मिर्चों को हम इसी तरह से भर लेंगे। ये जितनी मिर्चें हमने खाली की हैं सभी में हमें ये मसाला भरना है। तो हाथ को मसाला भरने के बाद आप धोना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस पर ऑयल लगाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने सारी मिर्चों को भर लिया है और हाथों को भी क्लीन कर लिया है। इसके बाद इसी तरह हम प्लेट में इन मिर्च को 3 से 4 घंटे धूप में रखेंगे, ताकि अगर कहीं और भी कहीं मॉइस्चर की कोई उम्मीद ना रहे, ऊपर से भी अच्छे से सूख जाए। ये देखिए, धूप में रखने के बाद मैं आप शाम को इसको मैंने उठाया तो देखिए इस तरह का टेक्सचर हो गया है। तो हमारी मिर्च जो है वो भर के हो गई है तैयार। अब हम इसको एक जार में भरेंगे। मेक श्योर कि आपका जार अच्छी तरह से स्टरलाइज होना चाहिए, यानी उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसको धोकर आप पहले धूप निकाल लीजिए, तभी अचार भरिए इसमें। तो किसी भी कंटेनर में आप इस तरह अचार भर सकते हैं। और जो तेल मैंने बचा के रखा था एक बोल में, उसको ऊपर से मैं डाल रही हूँ। तो आधे चार तक ही मैंने इसमें तेल डाला है। इस तरह से जब तेल रहेगा तो जो मिर्च है वो ख़राब नहीं होगी और बहुत समय तक चलेगी। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा यूपी और बिहार का बहुत ही मशहूर लाल मिर्ची का अचार। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। पराठा, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ इसको इंजॉय किया जा सकता है। तो आप भी बनाइए इस अचार को और इंजॉय करिए इस रेसिपी को। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।